वैदिक श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस जीवन में कई सारे त्योहार आते हैं, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ हमें निभाना भी पड़ता है। इन सब में सार सारम जो है वह है हमारा मित्र है। हमारे जीवन पर्यंत कई सारे मित्र होते हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कई मित्र ऐसे होते हैं जो हमारी मित्रता को निभा करके चलते हैं, कई मित्र ऐसे होते हैं जो हमें बीच रास्ते पर छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम मित्र स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। और इवन स्कूल कॉलेज लाइफ में जो दोस्ती मित्रता होती है वह हमें अंत समय तक भी याद रहती है, और वह मित्रता स्थायी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मैंने भगवान इस दरादा उन पर आते हैं तो वह भी अपना मित्र बनाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया, भगवान श्री रामचंद्र, सुग्रीव और भी कई सारे, इन सबको अपना मित्र ही माना, मित्र बनाया। वैसे जीवन त्योहार मित्र रूपी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर, जीवन में भगवान के द्वारा दिया गया सच्चा मित्र कौन है? यक्ष महाराज का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया सबसे श्रेष्ठ हमारा मित्र होता है पत्नी। अर्थात धर्म पत्नी ही हमारा सबसे श्रेष्ठ मित्र है, सबसे उत्तम, अंत समय तक मरणासन अवस्था तक हमारा साथ देती है। आज गृहस्थी जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन निभाना ही नहीं आता, क्योंकि जब किसी लड़की को अपने घर की बहू बना करके लेकर आते हैं तो उसे ऐसा समझते हैं ये नौकरानी आई है, सास उसे टॉर्चर करती है। इवन आजकल तो पति माँ से जिनके लिए वो सब कुछ छोड़ करके आई है, अपना घर परिवार भाई बहन अपना सब कुछ छोड़ करके केवल उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हुई रहती है, आती है सब कुछ छोड़ करके, लेकिन वही उसके साथ में दुर्व्यवहार करता है। उसके साथ में आज तक तो कहीं क्या जाए बात, कलयुग में तो मारपीट भी करते हैं, बहुत पीटते हैं आज के पुरुष पत्नियों को, नहीं पीटना चाहिए। पत्नी हमारा सच्चा मित्र होती है, बाकी जो मित्र है वो एक समय आने पर हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये पत्नी अंत समय तक हमारा साथ देती है। अगर हमारी बुरी दशा दुर्दशा रहेगी तो उसमें हमारे जो दूसरे मित्र है वो साथ नहीं देंगे, लेकिन पत्नी हमें साथ देती है। चाहे हमारे पास धन रहे या ना रहे, हमारे पास अच्छा यौवन जीवन रहे ना रहे, हम बहुत रोगग्रस्त भी हो जाते हैं तब भी पत्नी हमारा साथ देती है। इसलिए एक पत्नी सच्चा मित्र मानी गई है, इस पत्नी का आदर सत्कार होना चाहिए, इस पत्नी का अच्छा व्यवहार रखना चाहिए उनके साथ में, ताकि वह भी खुश रहे और हम खुश रहें। भगवान के द्वारा दिया गया सच्चा मित्र यही है, इसलिए इस मित्र को संभाल करके रखना चाहिए, फ्री में आई हुई नौकरानी नहीं समझना चाहिए। यह हमारा भगवान के द्वारा दिया गया सच्चा मित्र है, बाकी मित्र हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन भगवान इस मित्र को स्वयं देते हैं। इसलिए हर एक सदग्रस्त को, या जो ग्रस्त जीवन में जाने वाले हैं, स्वीकार कर रहे हैं, करने वाले हैं, उन्हें अपनी पत्नी को एक सच्चा मित्र रखना चाहिए, सच्चे मित्र की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि एक नौकरानी समझना चाहिए।